दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम पर अपने फोटोज को यूनिक तरीके से कैसे पोस्ट कर सकते हैं। आप साइड में देख सकते हैं यानी ग्रिड व्यू में कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक शर्मा जी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐप चाहिए, तो उसके लिए आप अपने फोन पर प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा 9 Square। आप जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसका फुल नेम है 9 Square for Instagram। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। अब जब इस ऐप को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से कोई भी एक फोटो को चूज कर लीजिए। आप जिस फोटो को ग्रिड व्यू में अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में कुछ ऑप्शन शो कर रहा है। पहला है 3:1, फिर 3:2, 3:3। ये है कि आप फोटो को कितने रो और कॉलम में डिवाइडेड करना चाहते हैं। अगर 3:1 करते हैं तो यहाँ पर आपका कॉलम रहेगा 3 और रो रहेगा 1। अगर आप 3:2 करते हैं तो यहाँ पर आपका रो रहेगा 2 और कॉलम रहेगा 3। यानी आप उस फोटो को कितनी कॉलम और कितनी रो में डिवाइडेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जितनी रो एंड जितनी कॉलम्स में डिवाइडेड करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद आप एकदम टॉप में देख सकते हैं क्रॉप का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपका फोटो यहाँ पे सेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फोटो क्या हुआ, यानी हमारा जो फोटो है वो 6 भागों में डिवाइडेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 3 कॉलम था और 2 रो था। तो अगर हम लोग उसमें डिवाइडेड करेंगे तो मेरा फोटो 6 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है। यानी इसी सीरियल हिसाब से आपको अपना फोटो पोस्ट करना है। यानी सबसे पहले हमें 1 पे क्लिक करना होगा और 1 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट, फीड या स्टोरीज। तो हमें इसे फीड पे शेयर करना है तो फीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे फीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फोटो ऐड हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करना है और फिर से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी कैप्शन वगैरह ऐड करना है, टैग देना है या फिर आपका लोकेशन वगैरह ऐड करना है, जो भी चीज़ आपको ऐड करना है आप यहाँ से सेट कर दीजिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी एक दे देते हैं, जैसे यहाँ पे बिबू लिख दिए। अगर हैशटैग वगैरह ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद शेयर पे क्लिक कर देंगे तो ये फोटो जो रहेगा ये शेयर हो जाएगा। उसी हिसाब से बाकी सबको भी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर से उसी ऐप पर आ जाते हैं। इसके बाद है सेकेंड वाला, तो सेकेंड पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और फिर यहाँ से शेयर कर देते हैं। इसके हिसाब से ये भी शेयर हो गया है। फिर आ जाते हैं हम लोग थर्ड। इसी तरीके से बाकी जितने भी पार्ट्स है सबको हम लोग यहाँ पे शेयर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सही तरीके से ग्रिड व्यू में शेयर हुआ कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने सारे फोटोज यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। तो चलिए अपने अकाउंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जिस तरीके से चाह रहे थे उसी हिसाब से मेरा फोटो यहाँ पे शेयर हो चुका है, पोस्ट हो चुका है, यानी ग्रिड व्यू में पोस्ट हो चुका है। और इसे देखने में थोड़ा सा यूनिक भी लगता है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से फोटोज अपलोड करते हैं तो रोज बोर होने लगते हैं, क्योंकि एक ही तरह से फोटो अपलोड करते रहते हैं। अगर थोड़ा यूनिक तरीके से अपनी फोटोज को पोस्ट करते हैं तो हमें भी देखने में अच्छा लगता है, या फिर कोई दूसरा अगर हमारे आईडी को विजिट करते हैं तो उनको भी देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा यूनिक लगता है। और इसी तरीके से हम इंस्टाग्राम पर ग्रिड व्यू में फोटो को पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है कि आप इंस्टाग्राम पर थोड़े यूनिक तरीके से फोटो को कैसे पोस्ट कर सकते हैं, यानी ग्रिड व्यू में कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।